हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने 31 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और 31वें पार्ट में जो दो मुख्य क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वो अंडजनन और शुक्रजनन, ठीक है। एक बार मैं आपको फास्ट रिवाइज में दोनों के आरेख दोबारा समझा देता हूँ, आप जरा ध्यान से समझ, ठीक है। हाँ, फिर अपने चैप्टर 32 की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इधर मैं शुक्र जनन का आरेख बनाता हूं, शुक्र जनन, और इधर जो आरेख हमारा रहेगा वो अंड जनन का रहेगा, ठीक है। तो देखिए, शुक्र जनन को हमने दो प्रावस्थाओं में बांटा था, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्र कायांतरण। तो शुक्राणु पूर्णि में यहां लिख देता हूं शुक्राणु पूर्णि, तो इसको मैं तीन भागों में बांटा था, गुणन, वृद्धि, परिपक्व, यही तीन थी। इनको आरेख देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक जनन कोशिका होती है और इस जनन कोशिका में लगातार क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन। और इन समसूत्री विभाजन से जो कोशिका बनती है उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। शुक्रजनन चल रहा है तो शुक्रजनन में शुक्राणु पूर्वी का निर्माण चल रहा है, उसमें तीन फेज थे, पहली गुणन, सेकंड वृद्धि और थर्ड परिपक्वन। तो गुणन प्रावस्था की अगर हम बात करें तो गुणन प्रावस्था में क्या है कि आद्य जनन कोशिका लगातार समसूत्री विभाजन कर अनेकों कोशिकाएं बनाती है जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। फिर आ जाती है हमारी कौन सी फेज, वृद्धि फेज। वृद्धि फेज में क्या था कि स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और जो संरचना बनती है उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैचुरेशन, परिपक्वन। परिपक्वन क्या होती है भाई, कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं और ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वो एगुणित होती हैं और इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है जिससे चार क्या बनती हैं, स्पर्मेटिड। क्या बनती हैं? स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड आगे चलकर शुक्र कायांतरण के माध्यम से क्या बनाती हैं, चार शुक्राणु। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का आरेख जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सिंपल है, जनन कोशिका देखो डिप्लोइड है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बनी, स्पर्मेटोगोनिया बनी। ये कौन सी फेज रहेगी, गुणन फेज रहेगी। सेकंड क्या है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन से दो हैप्लोइड सेल बनाती हैं, दो एगुणित कोशिका बनाती है जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कर जो कि बिल्कुल समसूत्री जैसा होता है चार स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं और ये चारों स्पर्मेटिड शुक्र कायांतरण के द्वारा चार क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्पर्मेटो
जेनेसिस, यही ठीक है भाई। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी समझ में आ गया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं आपको, है ना। अच्छा अब हम यहीं पे बात करें अंड जनन की, ओजेनेसिस। तो अंड जनन की टोटल तीन प्रावस्थाएं होती हैं, वही गोड़न, वृद्धि, परिपक्व, ठीक है। तो गोड़न प्रावस्था में देखें तो सबसे पहले हमारे पास वही मातृ जनन कोशिका, और इस मातृ जनन कोशिका में लगातार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और इस समसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनेंगी उन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, उगोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उगोनिया। ये हमारी मदर सेल है, मातृ जनन कोशिका इसको बोल सकते हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स इसको बोल सकते हैं ना। तो ये जो उगोनिया होती हैं, ये जो उगोनिया होती हैं, इनमें से मात्र एक उगोनिया अपने आकार में वृद्धि करती है, और इस वृद्धि की हुई उगोनिया को हम बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ओसाइट। तो वृद्धि फेज है ये। अब नेक्स्ट मैचुरेशन फेज में क्या होता है, परिपक्व अवस्था में क्या होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ द्वारा दो असमान कोशिकाएं बनाती है, असमान हैप्लोइड सेल होंगी, एगोडित होंगी, जबकि ये कैसी है, डिप्लोइड। तो दो असमान जो कोशिकाएं बनती हैं, उनमें जो बड़ी कोशिका होती है उसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, और ये जो छोटी कोशिका होती है उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। नेक्स्ट इन दोनों कोशिकाओं में अगेन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे मैं ये कहूं कि जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट है उस सेकेंडरी ओसाइट में अगेन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, बड़ी कोशिका ओवा और छोटी कोशिका सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो आपके सामने है वो हमारा ओजेनेसिस का आरेख है, और दोनों ही आरेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर 32 के बारे में अब हम बात करेंगे। यह आपको समझ में आ गया, इसको रिवाइज करा दिया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ तो चैप्टर नंबर 32 मानव में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब देखो 31 से 34 तक जो चैप्टर है थर्ड यूनिट में वो बिल्कुल सीक्वेंस में है, क्रम से बिल्कुल, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, चैप्टर नंबर 31 में हमने क्या देखा था, 31वें पाठ में हमने युग्मकों का निर्माण करवाया था, क्या करवाया था, युग्मकों का निर्माण। तो जब आपके पास अब दोनों प्रकार के युग्मक बन गए हैं तो अब क्या होने वाला है, अब दोनों युग्मकों का संलयन होगा, क्या होगा, संलयन होगा। तो जब भी दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन।
तो हमारा जो चैप्टर 32 है उसका क्या नाम है, मानव में निषेचन। क्लियर है? हाँ, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमसे यही परिभाषा वो पूछता है कि भाई बताइए निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी परिभाषा होती है कि हैप्लोइड, हैप्लोइड यानी कि अगुणित मेल एंड फीमेल गैमेट, हैप्लोइड मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन। देखो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वो क्या है कि अगुणित नर और मादा युग्मक, हैप्लोइड मतलब अगुणित, अगुणित नर और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं, निषेचन नाम देते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रह जाएगी, आप सभी जानते हैं निषेचन के बारे में, बहुत बार आपने इस परिभाषा को पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा हो रही है यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या है, एम्पी मिक्सेस, एम्पी मिक्सेस जिसको हिंदी में ओवह मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवह मिश्रण। हम चैप्टर नंबर 32 की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मानव में निषेचन। निषेचन की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख ली कि भाई जब भी हैप्लोइड मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो उस रिएक्शन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। और एम्पी मिक्सिस क्या है भाई, कि जब जब युग्मकों के, जब युग्मकों के दो क्रोमोसोम, दो गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एम्पी मिक्सिस। याद रखना इस चीज को। देखिए भाई, मैंने आपको 11th क्लास में कई बार बताया कि ये स्पर्म का केंद्रक है, शुक्राणु का केंद्रक है, जिसमें इस प्रकार के क्रोमोजोम है, सिंगल सिंगल पेयर में, और ये ओवा है तो इसमें भी सिंगल होंगे, है ना। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो एक क्रोमोजोम ओवा का और एक क्रोमोजोम किसका, स्पर्म का, आपस में फ्यूज होते ही नहीं होते, फ्यूज होते हैं तभी तो ये पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर, एक जोड़ा बनाते हैं, लेकिन यहां कैसे है, ये सिंगल है ना। और जब दोनों युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं तो इन दोनों के गुणसूत्र भी आपस में मिलते हैं। तो जब दो युग्मकों के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एम्पी मिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पी मिक्सिस कहते हैं, ओवह मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आई, तो दोनों परिभाषाएं आपको पता चल गई, है ना, क्योंकि परिभाषा भी पूछ लेता है वो। चलिए, तो दोनों परिभाषाओं के बाद अब हम निषेचन के टाइप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये पूरा टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन के बारे में है, निषेचन के बारे में। तो अभी हमने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को देख लिया, उसमें एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन एम्पी मिक्सिस को देख लिया। अब हम जो बात करते हैं वो करेंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। तो निषेचन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार का होता है, जो निषेचन होता है, एक तो होता है
बाह्य निषेचन और एक होता है अंत निषेचन, जिसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, एक तो होता है बाह्य निषेचन और एक होता है अंत निषेचन। ठीक है भाई, तो देखो बहुत सिंपल से है ये बाह्य निषेचन और अंत निषेचन। क्या होता है भाई बाह्य निषेचन, कि जब अच्छा निषेचन क्या होता है कि दो युग्मकों के संयोग को कहते हैं ना निषेचन। अब ये क्या है भाई बाह्य निषेचन, तो क्या होता है बाह्य निषेचन, वह निषेचन जिसमें, वह क्रिया जिसमें दोनों युग्मक नरभी और मादाभी शरीर से बाहर सम्मिलित हों। बात समझिए, बाह्य निषेचन की मैं बात करूं, जब दोनों युग्मक शरीर से बाहर सम्मिलित होते हैं तो इस निषेचन को हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। यह जल में संभव है। उदाहरण की मैं बात करूं तो उभयचर, स्पेशली मैं मेंढक के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बाह्य निषेचन बहुत ही सिंपल है कि भाई जब भी दोनों युग्मक मादा शरीर से बाहर सम्मिलित होते हैं तो उस क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और इस प्रकार का निषेचन केवल जल में ही संभव है। जलीय प्राणी ही बाह्य निषेचन शो कर सकते हैं, और स्पेशली कौन, मेंढक। मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया है मेंढक के बारे में कि मेंढक जो होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है, अर्थात इसमें क्या होता है कि फीमेल मेंढक जो होता है, फीमेल वो अपने अवस्कर, देखो सिंपल सी बात है कि जो डॉग होते हैं, मेंढक जो होते हैं, इनमें मैथुनांग नहीं पाए जाते, यानी कि योनि सिसन, ये मैथुनांग होते हैं जो नहीं पाए जाते। इन दोनों में अवस्कर मार्ग होता है, अवस्कर जिससे ये मल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो फीमेल मेंढक अवस्कर मार्ग से अपने अंडों के झुंड को निकालती है। ठीक है, और उसी समय उन अंडों के झुंड के ऊपर जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने अवस्कर मार्ग से शुक्र द्रव को छोड़ देता है। मैंने बहुत बार आपको बताया 11th क्लास में। ठीक है, इनमें आवासी मैथुन होता है, इनमें मैथुनांग नहीं होते मेंढकों में, है ना। तो बात समझ में आ गई बाह्य निषेचन की क्या है, कि जब दोनों युग्मक शरीर से बाहर सम्मिलित हों तो उस घटना को हम बाह्य निषेचन कहते हैं, और ये किस में संभव है, जल में संभव है, जैसे मेंढक। ठीक है, और आंतरिक निषेचन की अगर मैं बात करूं, अंत निषेचन की अगर मैं बात करूं, तो एक सिंपल सी बात हो जाती है, जब दोनों युग्मक नर्मादा मादा शरीर के अंदर संलयित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अंत निषेचन कहते हैं। भाई जब दोनों युग्मक मादा शरीर के अंदर संलयित होंगे तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे, अंत निषेचन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो घटना होती है वो तो अधिकतर स्तनधारियों में, हम लगभग सभी से नहीं होती है, है ना, मतलब जिनमें मैथुनांग होता है उनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसमें केवल नर के द्वारा जो युग्मक होता है, नर युग्मक, वो मादा शरीर के अंदर छोड़ा जाता है, उस घटना को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से हमारे निषेचन के टाइप होते हैं, बाह्य निषेचन और अंत निषेचन, है ना। और एक बात और होती है जिसको हम कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने एआई का नाम सुना होगा ना, एआई कहते हैं भाई एआई, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन। तो देखो क्या होता है कि मादा योनि में वीर्य को त्यागना, मादा योनि में वीर्य को त्यागना वीर्य सेचन कहलाता है। और यदि हम कृत्रिम माध्यम से परिरक्षित शुक्राणुओं को, अगर कोई नर प्राकृतिक माध्यम से शुक्राणुओं को मादा योनि के अंदर स्खलित करता है तो उस घटना को तो हम वीर्य सेचन कहते हैं। और यदि मनुष्य कृत्रिम माध्यम से या कोई मशीन के माध्यम से परिरक्षित स्पर्म या परिरक्षित सीमन को मादा योनि के अंदर स्खलित करता है, छोड़ता है, तो उस घटना को हम कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। निषेचन की परिभाषा, एम्फेमिक्सिस की परिभाषा, निषेचन के दो टाइप और एक कृत्रिम वीर्य सेचन। सभी जानते हैं आप कृत्रिम वीर्य सेचन, गाय भैंसों में अधिकतर की जाती है घटना, तो उसको हम कृत्रिम वीर्य सेचन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 32 बहुत ही छोटा सा है, सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।